गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, और मेरा हस्बैंड को मैं कह रही हूँ कि मुझे 500 रुपीज दीजिए तो मैं पार्लर जाऊंगी। तो मेरा हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम्हारा पास तो रुपया है, मैं क्यों दूंगी तुमको। तो एक्चुअली मेरे पास तो रहता है रुपया, मतलब मैं केक की जो बिजनेस है ना मेरा, तो इसलिए तो रहता है। केक का बिजनेस है, साड़ी का बिजनेस? हाँ, साड़ी का भी बिजनेस है, लेकिन मेरा हस्बैंड का और भी एक बिजनेस है तुम्हारा। क्या आदमी को धोखा देना और तो मेरा हस्बैंड का कार्डसी क्या है कि मैं जा रही हूँ तो कुछ भी नहीं तो 100 रुपीज तो देंगे ना। 100 रुपीज चला जाए। हाँ। गौदा का पास चला जाए, देखो 100 रुपीज दे दो, गौदा का पास जाओ। गौदा, ये मेरा हस्बैंड जहाँ पर बाल कटिंग करते हैं ना, उनका नाम है गौदा, तो इसीलिए कह रहे कि तुम लोग पार्लर नहीं जाओ, गौदा के पास चले जाओ बाल कटिंग करने के लिए, सैलून। चल तो मैं मुझे बाल कटिंग नहीं करना है, मेरा बेटी को करना है। और एक्चुअली बहुत दिनों से मैं कभी बहुत बीच में वन साल हो जाएगा ना, एक साल तो हो जाएगा, तो एक साल ईयर हो गया है, एक साल की दो साल के बाद में जा रही हूँ पार्लर। एक्चुअली देख, आप भी देख के समझ में आएगा कि मेरा भ्रू देखिए, भ्रू सेप भी नहीं करती हूँ, बीच बीच में कभी कभी जाती हूँ, डेली मंथ में जो सब कोई जाते हैं ना, इस तरह मैं नहीं जाती हूँ। मेरा हस्बैंड का रुपया बहुत क्या खर्चा नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, गाइस कंजूस हस्बैंड तो चले, मेरे पास रुपया है बहुत सारा है, चलो बेटी। तो चलिए जहाँ पर जाती हूँ ना पार्लर, थोड़ा सा शेयर करूंगी। तो घर में आ चुकी हूँ, और आने के बाद पूरा किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, डायरेक्टली ड्रेस चेंज करके फ्रेश फ्रेश होके, क्योंकि अभी रात 8:30 हो गया देखिए पूरा, और आर्यन सो गया है क्योंकि पूरा दिन गया था ना, वो पूरा धूप में खिलाया आज आर्यन, तो इसीलिए सो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम तीनों खाएंगे आज, भाई नहीं है घर में, भाई गया है कोलकाता, 3-4 दिन के बाद आएगा वो, तो इसीलिए रोटी और एक तड़का बना दूंगी, फटाफट से हो जाएगा। और तड़का मैं भिगो के गई थी दाल वगैरह, और ये थोड़ा सा आलू सुबह फ्राई किया था ना की थी, तो ये था, तो ये आलू फ्राई और रोटी और एक तड़का फटाफट से बना लूँगी। एक तड़का के लिए यहाँ पर एक बॉयल मतलब एक फ्राई करके इसके अंदर दे दिया हूँ, यहाँ पर जिंजर गार्लिक टमाटर ग्रीन चिली सब कुछ एक साथ पेस्ट बना के अभी मसाला तैयार कर रही हूँ, उसके बाद ये डाल दूँगी यहाँ पर। तो डिनर रेडी कर चुकी हूँ और रोटी बना लिया, रोटी डायरेक्टली एकदम थाली पे ले लिया हूँ, और यहाँ पर एक तड़का और एक भुजी आलू भाजी, ये डिनर में आज खाएंगे। और सबका हो गया बहुत सारे थकान, और आर्यन सो गया है, तो अब हम भी फटाफट से डिनर करके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत नींद लग रहा है मुझे। और मेरा बेटी का बाल कटिंग कैसा हुआ है तो कल दिखाऊंगी सुबह। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी दोल उत्सव। और दोल उत्सव के लिए ढेर सारे शुभेच्छा, खास करके पोटी के तरफ से आप सभी को बहुत सारे दोल उत्सव के बहुत सारे शुभकामनाएं है। तो चलिए, अभी माँ बेटी हम दोनों तैयार हो गया है, मेरा मामी के पास जाएंगे क्योंकि आज मेरा घर में कुछ काम नहीं है। काम नहीं है मतलब कुकिंग नहीं करूँगी, सिर्फ राइस बनाऊँगी आने के बाद। और आज प्रसाद खाएंगे हम लोग क्योंकि दोल पूर्णिमा है इसीलिए। और चलिए, कल जो मेरा बेटी और मैं दोनों हम लोग गए थे ब्यूटी पार्लर ना, तो मेरा जो बाल है बहुत सिल्क है, सिल्की सिल्की लग रहा है देखिए। और मेरा बेटी का बाल दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा कटिंग किया है। ये है मेरा बेटी का हेयर कट, थोड़ा सा नया स्टाइल में कटिंग किया है और क्या, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बस की कंडक्टर तेरा बेट, तेरा ये गाड़ी बस की कंडक्टर, निकल निकल। सीता को ना बस की कंडक्टर जैसे लग रहा है। मैं बैठ जाऊँ, हाय, इतना मन। तो अभी हम जा रहे हैं ना, थोड़ा सा घूम के आएंगे और बहुत धूप है। और एरकम ब्रेक मारा है नहीं, बहुत धूप है सीरियसली बहुत। ये बहुत बड़ा झील है देखिए, बहुत लंबा है रोड के साइड में। और सामने देखिए हमारा फैक्ट्री है, यहाँ पीछे हमारे घर है। बहुत अच्छा लगता है ना रोड के साइड में इतना बड़ा दिखे, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा श्वेता पैदल जा रही है देखिए। अरे घूम के आ, मोबाइल कौन लगा, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी। आजा आजा, नहीं होगा। देखिए किस तरह वो चला गया था, तुम वीडियो बनाओ, मैं जा रही हूँ। फिर घूम के आ रही है। गाड़ी कैसे चलाऊंगी, मोबाइल पकड़ के नहीं होगा। आ बेटी आ, घूम के जल्दी जल्दी से आ, जल्दी जल्दी से आ। ছোট কাকু নষ্ট করি খালি খালি পড়তেই ভাবি সেটা নেই নি, ছোটটা কো নষ্ট করনি, তাহলে এটা পছু নেই, সেটা বড়টা লই যা ভাল লাগিব। হ্যাঁ এটা তো, হ্যাঁ সেটা তো লউছি, হ্যাঁ সেটা ধর দে, সেটা ঘুরাইব, সে খেঞ্চ কুটি যা, খেঞ্চকু, হ্যাঁ সে খেঞ্চ কুটি যা, ডালো ধরি মোটা ডালো এডি, হ্যাঁ দেখিয়া আজ ফার্স্ট টাইম গছ উঠুছি মুখ, সে ডালোটা ধরে রে পড়ি যাবার জন্য, মোটা গছটা ধর পারি, দেখিবু এছর পড়ি, তুমি বিছাও মোর বাচ্চা, তুমি বিছাও না, কাপড় কাচি পারবুনি, রঙ ছাটিবুনি বাবু, আমার তো জ্বর কালু।
ভালো সেটা আমি উঠাই দিব মু দৌছি লে ও খাতা পড়ছে এই একবার বার ওকে খেলি দেখছ রে হ্যাঁ কি হলি তার মনে যা ও কাল কি খেলবা কোটি কাল কি হলি খেলবা পয়সা তো নেই দিতে বাবা কাল प्रामाणिक का आज होली खेला हो रहा है या हम खेलेंगे कल आज आराध्या प्रामाणिक खेल रहे ना नहीं खेले अकेले अकेले ना कल हमारे साथ होगा कल हमारे स्नेहा स्नेहा के साथ मत तुम फूटी ला बजे ना उसको बाबा दीजिए ता पीलो पर ता अरे पाकू चलो उड़ीगी ओ तो हस्बैंड हो तो ना ऐसे इसीलिए किस लिए मैं इतना तारीफ कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का। तो देखिए मैं जो गई थी मेरा मम्मी के पास ना आने के बाद देख रही हूँ कि राइस बन गया यहाँ पर। इसके अंदर दो आलू है, आलू चखा मैं बनाऊंगी और ये आम को बॉईल करके इस तरह इसके साथ जीरा पाउडर कच्चा मिर्ची और चीनी, ये बहुत टेस्टी लगता है गाइस खाने के लिए। ये मेरा बेटा बेटी और मुझे बहुत पसंद है, ये बना के रखे हैं। अभी इसको मिक्स करूँगी सिर्फ, और ये आलू चखा के लिए नमक ऑयल और एक ग्रीन चिली रेडी। और ये जो सब्जी ना जो मैं सुबह बोला था ना कि हम लोग आज प्रसाद खाएंगे, तो यहाँ पर इस्कॉन मंदिर का प्रसाद बेचते हैं ना, वहाँ से ये सब सब्जी, ये जैक फ्रूट की सब्जी, एक चचोड़ी बेंगोली में कहते हैं ना आलू बैंगन ड्रमस्टिक के साथ एक चचोड़ी होता है, ये कैबेज की सब्जी, पनीर बेटे के लिए, पनीर मैं नहीं खाती हूँ, कच्चा पनीर है घर में तो बेटा के लिए एक पनीर, बेटी भी नहीं खाती है पनीर, खाती है लेकिन ये पनीर अच्छा नहीं लगता है बेटा को, बेटी को, तो इसीलिए बेटा के लिए एक पनीर। तो लंच में ये खाना अभी हम खाएंगे, तो मेरा हस्बैंड का इसीलिए मैं तारीफ कर दिया। आने के बाद मैं नहा के पूजा कर दिया, तो अभी लंच करेंगे। शाम के टाइम में ना आज दोल पूर्णिमा में मेरा हस्बैंड से मैं ले लूंगी एक गिफ्ट, तो गिफ्ट दिखाऊंगी शाम के टाइम में, लाने के लिए जाऊंगी मार्केट, उसी टाइम वीडियो करूंगी। अभी लंच करके थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेना है, और शाम के टाइम में आंटी आ जाएंगे बेकरी में, सब कुछ बना के रखे हैं हम लोग, केक क्रीम रोल सिर्फ पैकेटिंग करेंगे आंटी, और मैं जाऊंगी मार्केट गिफ्ट लाने के। तो चलिए बाय बाय अभी। तो अभी शाम के कितना हुआ है, 6:30 बज गया है, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट गिफ्ट खरीद करने, और मेरा हस्बैंड कितना रुपया लेके जा रहे हैं देखिए मेरे लिए। चलिए तो क्या गिफ्ट मिलता है मुझे अभी मुझे पता नहीं, जाके जब मैं खरीद करके घर में लाऊंगी मेरे हाथ में पूरा गिफ्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको कह सकती हूँ कि गिफ्ट मिलेगा मुझे गिफ्ट। आई पोटी, और ये आर्यन भी जा रहा है क्योंकि मैं ना कभी कभी लड़का को लड़की लड़की को लड़का कर देती हूँ। अरे रोक बाबू पोटी। तो आर्यन भी जा रहा है, और श्वेता घर में है, और जो आंटी आए हैं ना वो काम कर रहे हैं अभी बेकरी में, और पूरा दिन आज पूरा रेस्ट। तो आज मुझे बहुत फ्रेश लग रही है। चलो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे, घर में जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मेरा बेटा को कुछ भी खिलाना है, मार्केट आया है घूमने ना, तो कह रहा कि कुछ तो खिलाओ मुझे। चल बाबा, तीन चार रकम रंग लो भाई, तीन रकम बा चार रकम মঙ্গলে ভিতরে পুরো 10-15 দিন হ্যাঁ দেখো মুখোশ এটা পাঁচটা
तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी आज तो ज्यादा खर्चा कर दी हूँ क्योंकि गोल्ड की एक नोआ ले लिया हूँ, ये पसंद आ गया, ये ले लिया मैं गोल्ड की, ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो मेरे पास पहले एक नोआ था, तो हम बंगाली में हाथों में नोआ पहनते हैं ना, तो टूट गया था, उसके बाद और नहीं है, तो इसीलिए ये ले लिया हूँ मैं गोल्ड की नोआ। तो ये मैं डेली यूज नहीं करूँगी, रख दूँगी बाहर कोनो किसी भी फंक्शन में पहनूँगी, डेली यूज नहीं करूँगी, तो ये ना ये टूट जाएगा डेली यूज करूँगी, तो ज़्यादा खर्चा कर हो गया ना आज हाँ? तो गाइस दोल पूर्णिमा में आज हस्बैंड का दे दिया टोपी पहन के ले लिया। तो चलिए गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि दोपहर के टाइम में खाए थे ना भेज खाना जब भी हम लोग खाते हैं जल्दी से हजम हो जाता है, तो भूख लग जाता है। और तो अभी हम लोग थोड़ा सा पकौड़ा छानेंगे और आलू दम बनाऊंगी, मुरमुरा खाएंगे। तो चलिए गाइस किसी के रीजन में आज का ये जो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज क्या करेंगे आपको तो पता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट होली, हाँ कल तो हम लोग होली खेलेंगे, होली का भी वीडियो करूँगी और बहुत सारे कलर मेरा बेटा ने लेके आया है मार्केट से, कल होली सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे और आराध्या आएगी हमारे घर में, तो कल का वीडियो आप जरूर देखिए, आज का वीडियो भी देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो बाय बाय।